हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शक्ति भारद्वाज। आज हम जिस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं वो है श्री धराचार्य फॉर्मूला के डेरिवेशन पे, और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है। क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास वेरियस मेथड्स हैं, उन्हीं में से एक है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। हम यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ सीख जाएंगे, क्या एक श्री धराचार्य जी का फॉर्मूला जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, और इसको हम प्रूव करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो आइए जानते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मेथड के लिए मैंने कोई भी एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे कंसिडर की हुई है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो सबसे पहला जो आपका काम है, आप अपने एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को देखिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है? ए है। तो एक्स स्क्वायर का जितना कोफिशियंट होता है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तभी मैंने यहाँ पे लिखा है डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय ए। तो पूरी इक्वेशन को जब आप ए से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। दोनों तरफ आपने ए से डिवाइड कर दिया। द नेक्स्ट स्टेप वी डू, आप क्या करते हैं फिर, एक्स के कोफिशियंट का आधा करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। ये एक्स का कोफिशियंट देखिए, अब एक्स का कोफिशियंट वो है बी अपॉन ए, इसका हाफ हो गया बी अपॉन टू है, और उसका स्क्वायर कर दिया। अगर आपने इसका स्क्वायर किया तो इसके बाद एक स्टेप और करेंगे कि इसके स्क्वायर को जोड़ेंगे और घटाएंगे भी। तो बी अपॉन ए का हाफ हो गया बी अपॉन टू ए, जिसका स्क्वायर हुआ बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, जिसको एक बार जोड़ा गया और घटाया गया, प्लस सी अपॉन ए, वो टर्म वैसी है। तो अगर आप फर्स्ट के तीन टर्म्स देखें, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर बन गया है। आप इस आइडेंटिटी को यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ से समझ सकते हैं। और ये वाला जो स्टेप है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू जीरो, अब इन टर्म्स को उधर भेजा और इस तरीके से सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने। तो जैसे ही आप स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन, जैसे कि हम जानते हैं अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है। फर्दर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ड्राइव हो गया है। ये रहा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन, जिसको हमने किया था परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हमने इस चीज को सॉल्व किया है। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ आपको, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट अपना 1 रखना है, फिर उसके बाद एक्स का जो कोफिशियंट होता है उसका आधा करें, उसका स्क्वायर एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें, फिर आप देखें कि आपके टर्म्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होते हुए चले जाएंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसको मैं दोनों ही मेथड से सॉल्व करूंगा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी और श्री धराचार्य के फॉर्मूले से भी। तो क्वेश्चन वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आप एक इक्वेशन कंसिडर कर लीजिए। क्वेश्चन 4x² प्लस 1 प्लस 4x इक्वल्स टू जीरो, ये आपके पास एक कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला शॉर्ट में लिख देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बनाता है, अगर आपकी कोई भी जनरल इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना था माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो आप अपने केस में बस ए बी सी देखिए क्या है, ए है आपका 4, बी है आपका 4, ये एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और सी है आपका 1, सी इज 1। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख सकते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इज ऑल्सो 4 इंटू सी इज 1 विच इज अपॉन 2 इंटू ए इज वॉट 4। सो एक्स इक्वल्स टू 16 माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 16 अपॉन 8 विच बिकम्स एक्स इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस 0 अपॉन 8 विच बिकम्स सिंपली एक्स इक्वल्स टू माइनस हाफ। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका फैक्टर बनेगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपका दूसरा फैक्टर बचा नहीं, तो दूसरा फैक्टर भी क्योंकि आपका यहाँ पर d 0 है, तो उसका मतलब है कि दोनों ही रूट्स आपके सेम होने वाले हैं, विच मीन्स इट विल बिकम 2x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे से। तो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सिंपली आपने वैल्यूज पुट कर देनी है ए बी और सी को जान के। अब इसको करते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर मेथड? परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड में पहले आप अपनी इक्वेशन को जो जनरल फॉर्मेट होता है उसमें लिखिए, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू जीरो। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि आप एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को 1 करेंगे तो आप पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दीजिए,
क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 4 है। उसके बाद आप एक्स के कोफिशियंट को देखिए और उसका आधा करके उसका स्क्वायर जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, तो आप देख सकते हैं ये बन गया एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और वहां के टर्म्स कैंसिल आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट, सो इट बिकम सिंपली 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं दोनों ही तरीकों से आपका आंसर सेम आया था, तो ये था परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सेम क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। तो होप यू गैस लाइक इट, आपको समझ आ गई होगी जो वीडियो में मैं समझाना चाह रहा था, परफेक्ट स्क्वायर मेथड और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।